हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ग्वार की फली की सब्जी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो आप एक बार ये सब्जी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम ग्वार की फली लिया है। इसको मैंने अच्छे से धो के और छोटे छोटे पीस में काट के रख लिया है। आप इसको किसी कितने भी साइज का काट सकते हैं। 2 टमाटर मैंने काटे हैं, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च, 2 प्याज इसको बारीक काट लिया है और 2 चम्मच मूंगफली लेंगे, ये भुनी हुई मूंगफली है। 2 आलू मैंने मीडियम साइज का लिया है, इसको ऐसे लंबे में काट लिया है। लंबे में काटने के ग्वार की फली की सब्जी देखने में बहुत अच्छी लगती है। अब मैंने गैस पे पैन रखा है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डालेंगे और ग्वार की फली इसके अंदर डाल देंगे और इसे हमें हाई फ्लेम पे भूनना है। इसे हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, जिसको भूनने की वजह से इसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाएगा और ये थोड़ा सा ग्वार की फली है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए, ग्वार की फली भुन चुकी है अच्छे से। गैस को मैंने मीडियम कर दिया है और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। भुनने की वजह से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और इसमें ग्वार की फली का जो टेस्ट होता है वो नहीं आता है। अब इसी तेल में मैंने आलू को भी डाल दिया है और इसे भी 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, जिससे आलू थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे और थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें इसे लगातार चलाते रहना है, हमें इसे क्रिस्पी होने तक भूनना है। देखिए, आलू थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं और इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फिर हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और तेल डाला है। इसके बाद हम इसके अंदर 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे और 1 चुटकी हींग डालेंगे। हींग डालने की वजह से इसका स्वाद है बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सब्जी के अंदर। 1/2 चम्मच पचफोरन डालेंगे और फिर इसके अंदर प्याज को डाल के हम इसे भूनेंगे। प्याज को हमें सुनहरा होने तक भूनना है। जब प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। देखिए, हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो चुका है और थोड़ा सा ब्राउन कलर भी हो गया है। देखिए, प्याज अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट डाला है। इसे डाल के हम भूनेंगे। हम इसे 1 मिनट तक और भूनेंगे, जिससे लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो निकल जाए। देखिए, सब्जी में हल्की सी महक भी आने लगेगी। देखिए, अब लहसुन, अदरक, मिर्च अच्छे से भून चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसे चलाएंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक भूनना है। अब देखिए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा इसे और सॉफ्ट कर लेते हैं। अब देखिए, टमाटर अच्छे से गल चुका है। 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे और जो मूंगफली हमने 2 चम्मच भून के रखा था उसे पीस के हम इसके अंदर डाल देंगे। मूंगफली की वजह से सब्जी का जो स्वाद होता है वो बढ़ जाता है और सब्जी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसे चलाएंगे। इस सब्जी में मसाले ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, थोड़े से मसाले में सब्जी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाती है। अब इसके बाद हम ग्वार की फली और आलू को इसके अंदर डाल देंगे और इसे मिलाएंगे। गैस को मैंने मीडियम पे रखा है और देखिए, आलू अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैंने अभी थोड़ा सा पानी डाला है और फिर मैं इसे चला रही हूँ। मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। आप इसको ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको सूखा ही बना सकते हैं। दोनों तरीके से सब्जी बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब देखिए, सब्जी अच्छे मिक्स हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन को लगा देंगे। गैस को एकदम लो पे करके हमने इसको ढक दिया है और इसको 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे, जिसकी वजह से आलू हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए, मैं ढक्कन हटा रही हूँ और सब्जी को थोड़ा सा चलाएंगे। देखिए, आलू अच्छे से गल चुका है और सब्जी हमारी बनके तैयार है।
अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया के पत्ते छिड़क दिए हैं और इसे मिक्स करेंगे। देखिए हमारी सब्ज़ी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। आप ये सब्ज़ी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।